चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुनिरैः नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उक्तं श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी आराध्य भगवान ब्रजेश तनयास तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित् उपासना ब्रजवधु वर्गेणया कल्पिता श्रीमत् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्थो श्रीचैतन्य महाप्रभो मत इदं तत्रादरो नवरपुरो वांछा कल्पत्रोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 ग्रंथ राशि भागवत महापुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस कार्तिक के पवित्र पावन दिवस में हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से श्री कृष्ण और पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कुछ श्रवण करेंगे, कुछ गुणगान करेंगे, उसके प्रयास करेंगे इस करने की। तो कल हमने पढ़ा था नल कुबे तथा मणिग्रीव का उद्धार और कहाँ कहाँ तक पहुँचे थे हम पहुँचे थे सवाल क्या था, सवाल कि हमें माँ पिता की गर्भ से लेना होता है तो हम पे किसका अधिकार है, किसका अधिकार है, माता का या पिता बीज प्रदान और माता गर्भ से ना। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में हमारे पिता हमारे माता वास्तविक बीज देने वाले पिता वो तो स्वयं भगवान है जो हमें इस प्रकृति के गर्भ में भेजते हैं और इस प्रकृति के गर्भ से हमारा जन्म होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं मूर्ख लोग आत्मा और देह को एक मानने की गलती की वजह से पाप करते हैं। क्या मानते हैं? आत्मा को जिस्म। हम अपने आप को आत्मा नहीं क्या मानते हैं? जिस्म। हम अपने आप को शरीर मानते हैं। इसके सवाल का आगे जवाब ये है कि मूर्ख लोग आत्मा को जिस्म मानने की ये गलती करते हैं और ये पाप करते हैं। लेकिन इंसान को इतना अकलमंद तो होना ही चाहिए कि वे समझ सके कि ये जिस्म किसका है। मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर पालन के लिए दूसरे पशुओं का वध करता है लेकिन वे ये विचार नहीं करता कि ये जिस्म उसका है या उसके पिता का है या माता का है या बाबा का है, दादा और दादा किसका है। कभी कभी बाबा या पिता अपनी पुत्री को किसी ऐसे व्यक्ति को दे देता है जिससे वे पुत्री के पुत्र नाती को अपने पुत्र रूप में पुनः प्राप्त कर सके। जैसे मेरा बेटा बेटी है, बेटा शादी होने के बाद वो अपनी पर्सनल जिंदगी जी रहा होता है लेकिन मेरी इच्छा होती है कि मैं अपने बेटे के साथ कुछ बात करूं, कुछ बात विचार, कुछ आदान प्रदान, कुछ हाँ, लेकिन बेटे के पास समय नहीं होता।
तो मैं अपनी पुत्री को एक ऐसे काबिल व्यक्ति के को सौंपता हूँ कि जो मेरी पुत्री से जो संतान होगा मैं उससे अपनी उस एंजॉय को पूरा कर सकूँ, नाते से। हाँ, पोते से तो टाइम मिल नहीं सकेगा क्योंकि बेटा बेटी तो अब शादी होकर पर्सनल अपनी लाइफ में जी रहे हैं बहू, लेकिन मैं अपने नाते से। हाँ, तो शख्स कहीं ना कहीं अपने इंद्र प्राप्ति की सेटिंग कर रहा होता है। हाँ, यूं नहीं तो यूं सही। ये शरीर ऐसे बलवान व्यक्ति का भी हो सकता है जो उसे जबरन कार्य करा ले। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कभी ये जो जिस्म है जो हमारा, हम इसको बड़ा ताकतवर बनाने का प्रयास करते हैं, इसको समझते हैं और इसे कार्य कराते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कभी कभी दास का शरीर स्वामी को इस शर्त के साथ बेच दिया जाता है कि उसका शरीर स्वामी के अधीन रहेगा। किसको ये दे दिया जाता है कभी कभी ये शरीर? हम दास हैं, हमारा जो स्वरूप है ओरिजिनल आइडेंटिटी वो दास की है, लेकिन कभी कभी ये शरीर अपने आप को स्वामी बना लेता है और भूल जाता है कि मैं दास हूं और स्वामी बनकर अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। अपनी इंद्रियों को क्या करता है? हुकुम देता है। हाँ, उसके अधीन हो जाता है। जाहिर सी बात है, हम अपने हाथ को हुकुम देते हैं कि हे हाथ, ये खाना लो और मेरे मुंह में डालो, लेकिन हम स्वामी और हमारी इंद्रियों को हम अपना दास बनाते हैं, लेकिन हकीकत में वो स्वामी और हम दास बन जाते हैं। हाँ, समझ रहे हैं? वो स्वामी बन जाता है, लेकिन हम सोचते हैं कि मैं स्वामी हूं और ये मेरा नौकर है। हे, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना दो, मेरे मुंह में खाना डालो। हम उसको नौकर को हुकुम देते हैं, लेकिन हकीकत में हम दास हैं, वो हमारा स्वामी है। क्योंकि जब तक वो देगा नहीं तो ये दास का पेट भरेगा नहीं। हमारी भ्रांत, हमारी सोच देखो कैसी हो। प्रभुपाद कहते हैं और जीवन के आखिरी में वही शरीर अग्नि को दे दिया जाता है, क्योंकि शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है और वे जलकर राख हो जाता है ना। ये दास स्वामी की भ्रांता झूठी ये चलती रहती जब तक हमें इसका ज्ञान नहीं होता कि स्वामी है कौन और दास है कौन। हाँ, हम तो हमेशा इंद्रियों के गुलाम बने ना। इंद्रियां जो है हमारी पांच, आंख, नाक, जुबान, कान, हाथ ना, ये इतनी खतरनाक इंद्रियां हैं जो इस जिस्म के अंदर दी गई है, ये हमेशा हमें नर्क की ओर खींच रही है। रोजाना हर क्षण नर्क की ओर खींचती है, और इसमें भी सबसे टॉप में है हमारी जिभ, हमारी जुबान टॉप में है। इन सब की किंग है वो। इस जुबान को कंट्रोल कर दिया जाए तो हमें परम सिद्धि मिल जाएगी, और अगर इस जुबान की गुलामी करेंगे तो सब की सब इंद्रियां हमें पकड़ के नर्क की ओर खींच के ले जाएगी। ये जुबान से ही हम भगवान के धाम जाते हैं और यही जुबान से हम नर्क की ओर जाते हैं। तो हम स्वामी दास का ये चक्कर हमारा चलता रहता है जब तक हम हमारी ओरिजिनल शनाख्त कि हम नौकर हैं, दास हैं, हमारा काम है दासियता करना, सेवा करना प्रभु की, बड़ी नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ
आजिजी हमेशा बनाए रखना। जो एक भक्त का, एक वैष्णव का, एक साधु का, एक गुरु का श्रृंगार है ना, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनी चेना सरोरपि सही सुना अमानी न मान देना कीर्तन्या सदा। वही कीर्तन हमेशा कर सकता है जो अपने सम्मान की फिक्र नहीं करता, दूसरों को सम्मान देता है। जो कृष्ण भावना में अपनी सम्मान, अपने मान सम्मान के लिए आता है वो टिक नहीं सकता। जो अपने सम्मान के लिए आता है, अपने मान सम्मान की ही हमेशा विचार प्लानिंग ही करता है, उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं आएगी। हाँ, एक वैष्णवों का जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी उसके अंदर नहीं आएगी। वो क्वालिटी तब आएगी अमान ही ना मान देना, अपने मान सम्मान की फिक्र नहीं करनी चाहिए, दूसरों को हमेशा मान देने वाला, और कटे हुए घास से भी नम्र। एक घास होती है खड़ी भी होती है, जब व्यक्ति उस पर चलता है तो वो झुक जाती है ना, और जैसे उसकी टांग हटती है तो फिर वो खड़ी हो जाती है। तो ये खोटी झूठी नम्रता है। हाँ, गुजराती में बोलते कि भाई आ तो खोटी है, खोटी खोटी एटीट्यूड है, झूठ झूठ एटीट्यूड है, दिखावा एटीट्यूड। जब वो चला जाता है, टांग हट जाता है, तो फिर से वो अपनी वही पोजीशन पे, ओ मैं तो कुछ हूं नहीं, वो नहीं, कटी हुई घास की तरह, कटी हुई बिल्कुल उसकी तरह हमें बर्दाश्त वाला होना चाहिए। हाँ, नम्र होना चाहिए, और बर्दाश्त करने वाला किसकी तरह होना चाहिए, एक दरख्त की तरह ना, पेड़। पेड़ हमें क्या नहीं देता, ठंडी हवा देता है, छांव देता है, फल देता है, फूल देता है। हाँ, कभी कंप्लेन की है उसने, इतना सब मुझसे लेते हो, बदले में मुझे क्या दिया? वो लकड़ी को काट के हम अपनी ईंधन से खाना प्रसाद बनाते हैं ना, उस लकड़ी से हम अपना घर का कितना कारो मदार, कितना फर्नीचर्स वगैरह कितना यूज करते हैं उस लकड़ी, कभी कंप्लेन की है? 100% उसका यूज होता है उस दरख्त का, लेकिन बदले में कुछ नहीं। ये सब बर्दाश्त वाला होना चाहिए। ये सुनना और प्रैक्टिकल बड़ा मुश्किल है ना। प्रैक्टिकल कब होता है? साधुओं के संग, वैष्णवों के संग में होता है। चित्त का जो मार्जन है ये भक्त लोग के संग में ही हो सकता है, घर पे बैठकर कहीं पर भी जाकर ये मार्जन नहीं हो सकता। तो तृणादपि सुनिचेना कटी हुई घास की तरह, नम्र बर्दाश्त वाला दरख्त की तरह, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना, अपने मान सम्मान की कभी फिक्र नहीं करना, हमेशा दूसरों को क्या देने वाला होना चाहिए, सम्मान देने वाला। वही हमेशा भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन कर सकता है। इसलिए जब तक हम हरे राम राम राम, मोबाइल को वाइब्रेट कर देना चाहिए प्रभु, क्लास में डिस्टर्बिंग होती है। तो हरे कृष्णा, कहाँ थे हम? एक भक्त को दास और स्वामी की ये जो फाइटिंग है, इसको हमेशा समझना चाहिए। नहीं समझेगा तो आखिरी में इस जिस्म को अग्नि को तो सौंपना ही है, कोई भी बचेगा नहीं, सभी को, एक देवता भी, हाँ एक देवता भी मरता है, ब्रह्मा जी को भी ये मरना पड़ता है, जो इस दुनिया को बनाने वाले हैं, जो बनाने वाला है, जो देवी देवता है, सब मरते हैं, तो हम हमेशा क्या जिंदा रहेंगे? हम भी मरेंगे। इसलिए हमें समझना चाहिए कि मैं तो प्रभु नहीं हूं, मैं तो दास हूं, तो प्रभु कौन है? प्रभु है भगवान श्री कृष्ण, जिसकी हमें सेवा करनी है। शरीर पालन के लिए सब प्रकार के पाप करने के पहले इंसान को ये जान लेना चाहिए कि ये शरीर किसका है। पाप तो कर लेते हैं, करने से पहले सोचता है कि ये शरीर है किसका, ये तो सोचते हैं ये शरीर मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, मैं पाप करूंगा, मेरी मर्जी,
आखिरकार यही निचोड़ निकलता है कि शरीर भौतिक प्रकृति की प्रतिफल है। ये शरीर किसका है? इस प्रकृति देवी का है। ये यहाँ पर हम ने ऐसा कर्म किया है कि बारंबार पैदा होते हैं, मरते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमारियां आती हैं, पूरी जिंदगी लड़ते रहते हैं उस बीमारियों से। तो ये इस प्रकृति में हमें सजा देने के लिए जिस्म दिया गया है। आखिरकार ये प्रकृति में ही मिल जाता है, इसलिए निचोड़ यही निकलता है कि शरीर प्रकृति का है। किसका है ये शरीर? शरीर ये प्रकृति का है। मनुष्य को भूल कर भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये शरीर उसका है, ये बिल्कुल नहीं सोचना के चाहिए कि ये शरीर किसका है? हमारा। ये सोचना चाहिए नहीं। तो किसका है ये शरीर? प्रकृति का। अभी सुना नहीं? प्रकृति, इस प्रकृति में हमें सजा देने के लिए यहाँ पर भेजा है। और सजा क्या है? बार बार पैदा होना, बार बार मरना, बार बार पैदा होना, बार बार मरना। और इन दोनों के बीच में दो चीज और भी फ्री है, बुढ़ापा और व्याधि। बीमारी ना, व्याधि। बीमारी मीन्स के यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दूसरी तैयार होती है, दूसरी को सॉल्व करते हैं, तीसरी तैयार होती है। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं दुखालयम अशांत। हे अर्जुन, ये दुखों का घर है, यहाँ पर तो सुख नहीं है। हम सुख यहाँ ढूंढते हैं? हम यहाँ पे सुख ढूंढते हैं, सुख है ही नहीं। दुखों की जगह में सुख कैसे हो सकता? तो झूठा स्वत्व जताने के लिए भला मनुष्य हत्या में क्यों प्रवृत्त? हाँ, झूठे मालिक बनकर हम क्यों दूसरे जीव को तकलीफ दे? यह सवाल है कि झूठे मालिक बनकर हम दूसरों को क्यों तकलीफ दे? शरीर पालन के लिए वे निर्दोष पशुओं का वध क्यों करें? अपने जिस्म को बनाए रखने के लिए निर्दोष पशुओं का वध क्यों करें? ये दो सवाल हैं। तो आज का हम सत्संग यहीं पर विराम देंगे। और जो प्रश्न था कि आखिरकार इस जिस्म के बीज पिता, इसको पैदा करने वाली माता, इसको पालने वाले बाबा या अन्यथा जो भी, किसका अधिकार है इस पर? तो आखिरकार फैसला यही हुआ कि इस पर ये जिस्म प्रकृति का, इस प्रकृति का है, ये जिस्म प्रकृति का है, लेकिन इसके बीज देने वाले कौन है? भगवान है। अभी तक वो आया नहीं है, वो आगे आएगा। ये सस्पेंस है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। माँ के गर्भ से तो जन्म हो जाता है, लेकिन आइडेंटिटी कौन है, इसके पिता कौन है, इसके पिता कौन है, ये हम नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। और इस प्रकृति के द्वारा हमारा जन्म हुआ है, इसलिए ये आखिरकार जल कल भस्म हो जाएगा। इनको सौंपना पड़ेगा, इस प्रकृति को ही ये जिस्म देना पड़ेगा। यहाँ पर हम अपने आप को झूठा स्वामी बनाने की कोशिश ना करें। हम दास हैं, दास का काम है भगवान की सेवा करना और ये समझना कि ये प्रकृति क्या है, ये दुनिया क्या है जो हमें इन आँखों से दिख रही है ना। इन सभी बातों का अच्छे से खुलासा जवाब नेक्स्ट क्लास में हम सुनेंगे। जय श्रीमद्भागवत महापुराण की। जय श्री प्रभुपाद की। जय गौर।